सेमिनार रूम में हुई उस सनसनीखेज वारदात के दौरान लेडी डॉक्टर की चीखें आसपास किसी को क्यों नहीं सुनाई दी। इस रेप और मर्डर में सीबीआई के सामने फिलहाल यही सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर 8-9 अगस्त की दरमियानी रात 2 से 3 बजे के बीच सेमिनार हॉल में दिखाई दी थी। उससे पहले उसने फर्स्ट ईयर के 2 छात्रों के साथ डिनर किया और नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच देखा था। दोनों डॉक्टर सेमिनार हॉल के पास ही स्लीप रूम में आराम करने चले गए। लेडी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही आराम करने लगी। ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने सभागार में लेडी डॉक्टर को सोते हुए देखा था। इसके बाद ही वो बर्बर वारदात हुई, वो भी सेमिनार रूम में ही। सीबीआई सूत्रों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक सेमिनार रूम के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, इस वजह से लेडी डॉक्टर उस रात दरवाजा बंद नहीं कर पाई थी। सीबीआई ये जांच भी कर रही है कि सेमिनार हॉल के बाहर क्या कोई व्यक्ति तैनात था जो कि आरोपी की मदद कर रहा था। सीबीआई के जांच अधिकारी इस बात को लेकर हैरान है कि सेमिनार रूम के अंदर से कोई आवाज किसी को सुनाई क्यों नहीं दी।